हेलो क्लास 10th, अगेन आई एम वेलकमिंग टू यू दिस चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द लाइव प्रोसेसेस नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 2। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था अबाउट द न्यूट्रिशन एंड रिगार्डिंग द ऑटोट्रॉपिक एंड हिटरोट्रॉपिक मोड्स, बट इन पार्ट 2 हम लोग करने वाले हैं अबाउट द डाइजेशन। ओके, इस पार्ट में हम लोग डाइजेशन के बारे में जनरली देखने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन भी किया एंड न्यूट्रिशन हमने देख लिया है। अब इन द पार्ट 2 वी आर गोइंग टू डील विद द लाइव प्रोसेसेस इज नथिंग बट डाइजेशन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। सो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन से स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन क्या समझ में आ रहा है इसको देख करके? न्यूट्रिशन यानी कि आप देखिए, हमने पिछले क्लासेस में हमने कुछ मोड्स के बारे में जाना था। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन एंड देन देखेंगे डाइजेशन। देखो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस की बात अगर करें तो ह्यूमन आर द ओमनीवोरस। हमको पता है कि हम लोग क्या है, ओमनीवोरस है, यानी कि हम लोग बोथ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स पे फीड करते हैं, यानी कि हम लोग प्लांट भी खाएंगे और एनिमल वेट्स फूड भी हम दोनों ही खाते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड एज नथिंग बट ओमनीवोरस। आप लोगों ने क्लास अर्लियर क्लासेस में ही पढ़ा होगा दैट इज व्हाट इज ओमनीवोरस एंड व्हाट इज कार्निवोरस एंड व्हाट इज हर्बीवोरस। और मैंने इसके चैप्टर के स्टार्टिंग में भी आपको थोड़ा सा बताया है ओमनीवोरस कार्निवोरस के बारे में, है ना। तब देखो, बीइंग अ मोर कॉम्प्लेक्स ह्यूमन हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम। हम लोग की जो बॉडी है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसी के कारण हम लोग का न्यूट्रिशन सिस्टम भी जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है ना। हम लोगों की बॉडी सिंगल सेल थोड़े ही है कि कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, सारा काम अमीबा के तरह एक ही साथ हो जाएगा। नहीं, हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे ऑर्गन, बहुत सारे टिश्यूज, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से हम लोग बने हुए हैं। सो दैट्स व्हाई हम लोग का जो है कॉम्प्लेक्स है। ये देख पा रहे हो अपना एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम दिया गया था। ये इसोफेगस है, लीवर, गॉल ब्लेडर, आपका इलियम है, एनस है, रेक्टम है, क्लोन है, ड्यूडोनम है, और दैट इज पैनक्रियास, स्टोमक, इतने सारी चीजें हैं हमारी में। सो दैट्स वी आर कॉम्प्लेक्स, हम लोग कॉम्प्लेक्स है ना, बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने। सो चलिए अब देखते हैं आगे चल के कि हमें और क्या डील करना है। So as a the digestive system has alimentary canal associated with the digestive gland which together function and nourish the body। क्या बोलता है कि हमारा जो digestive system है, हमारा जो digestive system है has an alimentary canal, उसके पास alimentary canal है, लगभग 9 meter लंबी हमारे पास क्या alimentary canal है, including esophagus, including our small intestine, large intestine, stomach, ये सारे को include करके। So and associated with the digestive glands which together perform to nourish the body, यही एक साथ perform करके together हमारे body को क्या करता है, nourish करता है, हमारे body को nourish करता है ना। चलिए अब नेक्स्ट थिंग पे बढ़ते हैं। अगर आपको इतना समझ में आया हो तो प्लीज लाइक बटन हिट करिए, सब्सक्राइब बटन हिट करिए और आगे बढ़ चलते हैं इसी बात के साथ। नेक्स्ट थिंग बोलता है कि फोर स्टेजेस इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन एंड इजेशन, ये चार स्टेप्स जो है मेनली जो है हमारे अंदर, हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर होते हैं एलिमेंट्री कनाल्स में, फॉर द कंप्लीट क्या एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए एकदम पूरा मैकेनिज्म होता है ना। देखो, माउथ बकल कैविटी से सेलेबरी ग्लैंड में गया, इसोफेगस है, हमारे पास स्टोमक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे पास है रेक्टम है, एनस है, पैनक्रियास है, लीवर है, इतनी सारी चीजें हैं हमारे पास। सो चलिए सबको डील करेंगे। देखो इंजेशन, इंजेशन क्या होता है, टेकिंग ऑफ फूड इन टू बॉडी। डाइजेशन फिर होता है ब्रेक डाउन कर देते हैं फूड का। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मूविंग फूड इन टू सेल्स, मूव क्या करते हैं फूड को इनटू सेल्स में भेजते हैं, असिमिलेट करते हैं, मेकिंग फूड पार्ट ऑफ द सेल, यानी कि पार्ट ऑफ द सेल का ही पार्ट बना देते हैं असिमिलेट करके, पूरा तरह से एब्जॉर्ब करके। फिर एलिमिनेशन, सो एलिमिनेट कर देते हैं जो फूड हमारे काम का नहीं है उसको हम निकाल देते हैं। सो अब नेक्स्ट थिंग जो है असिमिलेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द होल बॉडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आवर एलिमेंट्री कनाल के साथ। सो आवर एलिमेंट्री कनाल इन द ह्यूमन इज अ लॉन्ग ट्यूब, इट स्टार्ट विद माउथ एंड एंड्स इट विद एनस। हमारा जो एलिमेंट्री कनाल है स्टार्ट होता है फ्रॉम द माउथ, इस जगह से स्टार्ट होता है और एंड होता है ये हमारा एनस में। ये कहाँ एंड होता है, एनस में, माउथ से होते हुए सेलेबरी ग्लैंड से होते हुए इसोफेगस, हमारा स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और रेक्टम, एनस के थ्रू बाहर इजेक्ट हो जाता है। ये देख सकते हो, ये आपके आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा इन सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में। ये माउथ या ओरल कैविटी बोलिए, टंग है आपका, ये आपका इसोफेगस है, ये लीवर है, ये दिस इज अ गॉल ब्लेडर, और दिस इज नथिंग बट ड्यूडेनम है, ये आपका दैट इज जीजुनम है, दैट इज इलम है। सो इतनी सारी चीजें हैं, ये फेरेक्स है आपका, ये आपका स्टोमक है, ये पैनक्रियास है, ये
फिलन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ट्रांसवर्स क्लोन है ये आपका, ये जो देख रहे हो ये एकदम ओवल ओवल शेप टाइप का, ये आपका ट्रांसवर्स कोलोन है। सो ऐसे ही बहुत सारी चीजें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एसोसिएटेड है। बट आपको पढ़ना क्या क्या चीजें, इसमें तो सारी चीजें नहीं पढ़नी है, नहीं, आपको पढ़ना है यहाँ पे सलेबरी ग्लैंड पढ़ना है, माउथ ओरल कैविटी, टंग, इसोफेगस देखना है, लीवर, गॉल ब्लैडर देखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन देखना है, ये तीनों नहीं देखना, पैनक्रियास देखना है और लार्ज इंटेस्टाइन देखना है, और आपको रेक्टम और एक एनस देखना है, अपेंडिक्स भी आपको नहीं ही देखनी है। तो चलिए इसी अच्छी बात के साथ हम लोगों ने इतना कम कर दिया है, सो चलिए आगे फिर बढ़ चलते हैं। सो अब बोलता है इसोफेगस, इसोफेगस स्टोमक, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आर द पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जैसा कि देख सकते हो ये आपके पास, एक और मैंने डायग्राम दे करके रखा है, ठीक है, मैंने डायग्राम से ही मैं समझाता हूँ, विजुअलाइज करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ना, सिर्फ ऐसे ही थोड़ी पढ़ते जाएंगे अंधाधुन में, विजुअलाइजेशन मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होता है एंड आपको भी अच्छे से समझ में आता है। देखो इन माउथ क्या होता है, द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, हमारे माउथ में जो है फूड जो है ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स में, बाय द टीथ एंड मिक्सेड विद द सलाइवा, और क्या होता है फिर सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड, हमारे सलाइवरी ग्लैंड में होते हैं इन क्या होता है हमारे माउथ में एक होता है ग्लैंड जिसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड क्या करवाता है रिलीज, तो सलाइवा सलाइवरी एमिलेंस निकल के आता है, ठीक है, और वो क्या करता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड करता है अबाउट 30% जो है वो कौन ब्रेक डाउन हो जाता है, मुंह में ही हो जाता है हमारा डाइजेशन, ठीक है, अप्रोक्स 30% का डाइजेशन हमारे माउथ में ही हो जाता है। अब हमको पता है कि सलाइवरी ग्लैंड के अलावा भी हमारे माउथ में कुछ चीजें हैं जो कि आपके इस क्लास के लिए तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जाननी चाहिए, इंसीजर जो कि, और फिर कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर, सो ये मोलर ये सारे जो है आपके टीथ हैं, सो यहाँ पे जो सलाइवरी ग्लैंड है वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके इन द केस ऑफ द डाइजेशन। तो आपको पता चल गया सलाइवा रिलीज होता है सलाइवरी ग्लैंड से और वो कंटेन करता है एंजाइम जैसे सलाइवरी एमिलेज, एमिलेज ही ब्रेक डाउन करता है आपका फूड का, ठीक है, स्टार्च का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट थिंग, सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम सलाइवरी एमिलेज व्हिच कन्वर्ट द स्टार्च इनटू माल्टोज, वेरी गुड, सलाइवा कंटेन्स करता है सलाइवरी एमिलेज जो कि कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को माल्टोज में, स्टार्च जो है उसका जो माल्टोज है बहुत ही जो है सिंपल फॉर्म होता है स्टार्च का, उसको माल्टोज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, सलाइवरी एमिलेज का पीएच लगभग 6.8 के इक्वल होता है। अब ये देखो कि यहाँ पे आपका सिचुएटेड है बगल में ही पैराथायरॉइड ग्लैंड है, आपका टंग है, आपका सबलिंगुअल ग्लैंड है, आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी है सिचुएटेड, तो इसमें आपको पढ़ना क्या है टंग के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड में भी पैराथायरॉइड ग्लैंड के पैटोइड ग्लैंड के बारे में आपके पास, नॉट पैराथायरॉइड इट्स पैटोइड ग्लैंड जिसके बारे में आपको पढ़ना है इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और ये सारे अभी आपको नहीं पढ़ने, ठीक है। सो ये आपका फेनिक्स यहाँ पे है, ये टंग है, ये एपिग्लॉटिस आपके सिलेबस में है, एसोफेगस एंड ट्रेकिया, वेरी गुड, ये सारी चीजें हम आगे जाकर के डिस्कस करने वाले इन द वेरियस फॉर्म्स। नेक्स्ट थिंग, देन द फूड पासेस थ्रू द इसोफेगस इनटू द स्टोमक, हमने मुंह में फूड लिया, सलाइवरी एमिलेज ने सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवरी एमिलेज को छोड़ दिया, देन क्या हुआ फूड पास कर गया थ्रू द इसोफेगस, इसोफेगस से फूड पास कर गया कहां पे, स्टोमक में पास कर गया इसोफेगस के थ्रू, देन क्या हुआ द मूवमेंट कॉल्ड एज पेरिस्टलाइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थक्का देकर के मूवमेंट जो जाता है इसोफेगस में माउथ से हमारा फूड, उसको बोलते हैं पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट, पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट, फिर हमारे उसी मूवमेंट के थ्रू होते होते वो जो इसोफेगस के थ्रू हमारे स्टोमक में आ जाता है, कहां आ जाता है स्टोमक में आ जाता है इसोफेगस के होते हुए हमारा फूड, है ना। चलिए नेक्स्ट थिंग, अब आ गया फूड माउथ से इसोफेगस से होते हुए स्टोमक में, अब स्टोमक में क्या होगा भैया, सो द गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट होता है स्टोमक में जो कि प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस को हमारे स्टोमक में, हमारे स्टोमक में देख पा रहे हो यहाँ पे हमारे स्टोमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें जो है आपको इंपॉर्टेंटली पढ़ना है दैट इज हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट रहता है और वो प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस को, क्या प्रेजेंट करता है गैस्ट्रिक जूस को विच कंटेन्स द एंजाइम पेप्सिन, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस को वो कंटेन करता है एक एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन को क्या करता है कंटेन करता है कौन गैस्ट्रिक जूस, कहाँ से निकलता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस, ये तीन चीजों को कंटेन करता है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस,
HCl का जो pH है about 1.5 to 2.5 रहता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा acidic रहता है। Why मैंने इसलिए लिखा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा acidic nature में रहता है ना, so that's why। चलो अब देखो, hydrochloric acid makes the medium acidic and keeps in the activation of the pepsin। हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है, अगर हाइड्रोक्लोरिक नहीं रहेगा पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा। ध्यान दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक मीडियम बनाता है एसिडिक और हेल्प करता है एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन के एक्टिवेशन में हेल्प कौन करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक करता है मीडियम एसिडिक और हेल्प करता है एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के ब्रेक डाउन में काम आता है। अब देखो, हमारे अंदर एक होता है ग्लैंड, इसको नाम है पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन को जाकर के HCl क्या कर देता है, एक्टिवेट। एक्टिवेट किया पेप्सिनोजिन को HCl, उसे निकला पेप्सिन प्लस प्रोटीन, और प्रोटीन और पेप्सिन और प्रोटीन ने रिएक्ट किया, क्या बन गया, प्रोस्टेज बन गया और पेप्टोन बन गया। ये सिंपल फॉर्म है प्रोटीन्स का, प्रोस्टेस्टो एंड पेप्टोन, ये दीज आर द टू विच इज द सिंपलर फॉर्म ऑफ द प्रोटीन। और उससे भी ज्यादा अगर जाओगे तो होता है अमीनो एसिड। क्या होता है, अमीनो एसिड होते हैं। नेक्स्ट थिंग देखना चाहोगे तो चलिए नेक्स्ट थिंग पे हम लोग बढ़ जाते हैं। म्यूकस प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड। हमारे अब जो है ना, जो हमारा स्टोमक है उसमें जो HCl प्रेजेंट हो, रिलीज हुआ। अब HCl तो बहुत ही ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव एसिड है। अब उससे बचने के लिए हमारे जाकर के स्टोमक के, तो वो क्या करेगा, पूरा स्क्रैच कर देगा हमारे स्टोमक में। तो उसको बचाने के लिए आता है एक मसीहा जिसका नाम है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है वॉल ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। HCl के एक्शन से म्यूकस ही है जो हमारा स्टोमक को क्या करता है, बचा के रखता है, ताकि जो हमारे स्टोमक में किसी भी टाइप का जो है क्या ना आए, किसी भी टाइप का कोई भी खरोच ना आए। देन क्या होता है, फूड पासेस इनटू द स्मॉलर इंटेस्टाइन एंड द पाइलोरिक स्पिंचर। देन क्या होता है, हमारा जो फूड है वो पास कर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और थ्रू द पाइलोरिक स्पिंचर के थ्रू ही। देख, पाइलोरिक स्पिंचर के थ्रू क्या होता है, ये देख पा रहे हो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, ये देखो यही है पाइलोरिक स्पिंचर। इसी के थ्रू क्या होता है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पास हो जाता है। तो कभी पूछा जाए कि कैसे होता है पास, तो पाइलोरिक स्पिंचर के थ्रू ही पास होता है। चलिए नेक्स्ट थिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बहुत छोटा नहीं है, स्मॉल बोलने का स्मॉल है, छोटा होता नहीं है, बड़ा ही है, लॉन्ग, इनफैक्ट लॉन्ग इंटेस्टाइन से बड़ा है। इसका लेंथ बड़ा होता है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का विड्थ बड़ा होता है, दैट्स व्हाई हम लोग बोल देते हैं ना। अब देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोरस का ज्यादा लॉन्गर होता है, क्योंकि उनको डाइजेशन के लिए ज्यादा टाइम रहता है, वेरस कार्निवोरस के लिए कम टाइम रहता है, क्योंकि मीट इज सिंपल फूड देन द वेजीज, क्योंकि उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट रहता है जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, सो दैट्स व्हाई। चलिए, हर्बीवोरस का ये देख लो लंबा सा है, और ये देख लो कार्निवोरस का जो है थोड़ा शॉर्ट है ना। सो क्यों है शॉर्ट, ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी के कारण। अब देखो, फूड इज मिक्सड विद द बाइल फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियास। दिमाग में ठोस करके रख लो, हमारे साथ दो और ग्लैंड एसोसिएटेड होते हैं जिसका नाम है एक लीवर और एक होता है पैनक्रियास। लीवर और पैनक्रियास, अब क्या होता है ना, पैनक्रियास से जो है हमारा रिलीज होता है पैनक्रियाटिक जूस, और लीवर से रिलीज होता है बाइल जूस। दोनों कहां जाता है, दोनों जाता है हमारे स्टोमक में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और क्या करता है, बाइल जो है ब्रेक डाउन कर देता है फैट को स्मॉलर ग्लूबल्स में। स्मॉलर ग्लूबल्स में क्या करता है, बाइल जो है जो किस काम के लिए आया है, स्मॉलर ग्लूबल्स जो है उसको क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए आया है, ठीक है, तोड़ने के लिए आया है। पैनक्रिया से पैनक्रियाटिक जूस, बाइल से लीवर जूस आ गया है ना। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, पैनक्रियाटिक जूस का क्या काम है। अब देखो, पैनक्रियाटिक जूस जो है कंटेन्स करता है दो एंजाइम्स को, ट्रैप्सिन और लिपेज, एक होता है लिपेज और एक ट्रैप्सिन। तो लिपेज का काम क्या है, ट्रैप्सिन का क्या काम है, बिल्कुल बताऊंगा। देखो पहले, देखो पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियास, देखो प्रोस्टीज या जो है एक डाइजेस्टेड प्रोटीन को बोलते हैं, जो कि क्या होता है, पहले प्रोटीन रहता है उसको पेप्टाइड्स में बदलते हैं, देन अमीनो एसिड्स में बदलते हैं, क्योंकि ये सबसे रॉ फॉर्म है, जिसको स्मॉलेस्ट फॉर्म है, जिसको हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है। एमिलेज जो है वो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, मैंने ये बताया था ना, सेलेब्री एमिलेज स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, और जो न्यूक्लियस है वो डाइजेस्ट करता है डीएनए और आरएनए को, न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियोसाइड्स में बदल जाता है। अब भैया इतना तो जान लिया, अब बता दो मेरे को कि ट्रैप्सिन और लिपेज का क्या काम है, लिपेज का क्या काम है। तो ट्रैप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है प्रोटीन को, एंड लिपेज जो है वो फैट का ब्रेक डाउन करता है। ऐसा देख सकते हो, लिपेज आया, बाइल आया, उसने क्या किया, डाइट्री फैट क्या किया, ट्रिग्लिसराइड्स को, और ये है मोनोग्लिसरीड्स, फैटी एसिड्स।
ये सब आपको उतना नहीं पढ़ना है, अगर कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ रहे हो तो ये याद रखना। अब देखो ट्रिप्सिन क्या करता है, वोट्स के लिए प्रोटीन, और लिप्से क्या करता है, फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। लेकिन मैं बता दूं आपको, मैं बोर्ड्स और कंपटीशन दोनों के लिए एक ही स्लाइड्स में मैं पढ़ाता हूं, साथ साथ ही मैं उसके लिए अलग से वीडियोस नहीं बनाता हूं। मैं आपको बोर्ड्स कभी प्रिपरेशन और एनटीएससी वगैरह का भी एक ही साथ दे देता हूं, इसीलिए मैंने इतनी कॉम्प्लेक्स आपके लिए स्लाइड्स तैयार की है। थोड़ा मेहनत लगता है, तो आप लोग भी इसको क्या करो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, सो दैट विल बी इजियर फॉर यू, सो नेवर मिस एन अपडेट्स। सो चलो नेक्स्ट थिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन में, अच्छा जी खाना चला गया, बाइल ने दे दिया, बाइल जूस आ गया, पैनक्रियाटिक जूसेस आ गए हमारे मोशन के थ्रू, अब आ गया है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ क्या होगा जी, तो द ग्लैंड ऑफ द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूसेस इंटेस्टाइनल जूस। अब जो ग्लैंड है प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो क्या इंटेस्टाइनल जूस को निकालता है, क्या करता है, इंटेस्टाइनल जूस को प्रोड्यूस करता है। किस चीज को प्रोड्यूस करता है, तो जी इंटेस्टाइनल जूस को। अब इंटेस्टाइनल जूस क्या करेगा, था एंजाइम्स ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू द ग्लूकोज। अब जो एंजाइम्स है इंटेस्टाइनल जूस में, इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम्स है ना, वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तोड़ देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी ऐसा नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स फूड को एब्जॉर्ब करेगा। हमारा बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड को एब्जॉर्ब बिल्कुल भी नहीं करेगा, सो दैट्स व्हाई। सो द एंजाइम्स ऑफ इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू द ग्लूकोज एंड देन फैट इनटू द फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल, ठीक है, एंड द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। यहां पे कितना टूट जाता है, नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं। सो द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज सेवरल फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली हैविंग ब्लड वेसल्स। आपने ये पढ़ा होगा कि जो हमारे वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे फिंगर लाइक के स्ट्रक्चर है, ये देख पा रहे हो, ये उंगली जैसे स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं विली या विलाई, उसको ठीक है, इसको विली वो पढ़ते हैं जो कि हैवी उनमें होता है ब्लड वेसल, वो कंटेन करते हैं ब्लड वेसल्स को, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं, विलाई जो कि कन्वर्ट करते हैं उसमें अंदर होता है, कंटेन करते हैं ब्लड वेसल्स को। ये देख लो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये ऊपर ऊपर बॉक्स बॉक्स टाइप से दिख रही है मैक्रोविली। अब ये जो उसके ऊपर दिख रहा है वो है आपका एब्सॉर्बाइट सेल्स, ये जो उसके अंदर ये ब्राउन कलर का ये जो थोड़ा डार्क दिख रहा है वो है ओबाइट सेल, उसके अंदर जो ये आपको दिख रहा है ये यहाँ पे जो पोजीशन पे है वो कहलाता है एरिटियोल, और उसके अंदर वाला ये ब्लू ब्लू जो देख रहे हो गे जो जा रहा है इसको बोलते हैं वेन्यूल, ठीक है। और भी देख सकते हो ये ब्लड कैपिलरीज है, ये जो देख पा रहे हो, ठीक है, ये जो है ये पाला पार्ट ये ब्लड कैपिलरीज है। तो ये मत पूछना बोर्ड्स के लिए या फिर कॉम्पिटिशन के लिए, मैं दोनों के लिए पढ़ाता हूँ। सो अब क्या करता है ये विलाई, अब विलाई तो हमको पता चल गया कि ये कंटेन करता है ब्लड वेसल, कोई काम तो होगा, बिल्कुल जी काम है इसका, क्या करता है, हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। हेल्प करता है किस चीज को, इंक्रीज कर दो सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, इंक्रीज कर देगा किस चीज को, सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। नेक्स्ट थिंग, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड All cells in the body. अब जो digested food है हमारे पास, जो digest हो गया है food, वो क्या होता है? Absorb हो जाता है blood में और जो transport हो जाता है other cells में, क्या होता है? Other cells में वो क्या होता है? Transport हो जाता है। और जो undigested food है, pass कर जाता है through the into the long intestine या फिर large intestine में वो फिर चला जाता है जो undigested food है, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे जो आपको ये पीले पीले छोटे छोटे दिख रहे हैं इसको बोलते हैं epilogue, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये पोर्शन, इसको बोलते हैं कट एज ऑफ मेसेंट्री, ये थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको देख लेना, ठीक है। ये आपका रेक्टम है, ये आपका एनाल कैनल है, ये एक एक्सटर्नल एनाल स्पिंचर है, ये आपका ये जो ये जो ये जो है राउंड राउंड इसको बोलते हैं राइट कोलोनिक, और ये जो वही राउंड राउंड लेफ्ट में इसको बोलते हैं लेफ्ट कोलिक, ठीक है। अब ये जो है आपका यहाँ पे ये जो ये निकला हुआ है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट मैंने आपको बताया, हो सकता है पूछा जाए बट जनरली ये नहीं पूछा जाता है। इन द लार्ज इंटेस्टाइन अब क्या होगा भैया, तो वाटर जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, हमने जो भी लेना था अच्छी अच्छी चीजें हमने स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में भेज दिया, और जो बेकार चीजें हैं उसको हमने भेज दिया लार्ज इंटेस्टाइन में। अब वहाँ भी अगर कुछ काम का है तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा लार्ज इंटेस्टाइन, वेस्ट मटेरियल जो है स्टोर हो जाएगा रेक्टम में, और फिर बाद में जो है एनस के थ्रू भगा दिया जाएगा उसको, ठीक है, रेक्टम में स्टोर होगा और फिर एनस से भगा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट थिंग, द फूड टेकन ड्यूरिंग द न्यूट्रिशन यूज टू प्रोवाइड एनर्जी टू वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। अब जो फूड लिया गया ड्यूरिंग द न्यूट्रिशन जो हमने किया था
वो जो है बहुत सारे एनर्जी प्रोसेस के लिए, बहुत ज्यादा लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी होता है। अब यहीं से हम लोग जानेंगे आगे का सीक्वेंस, है ना। सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स रिसीव देयर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर देयर सर्वाइवल फ्रॉम अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड डिस्पायरेशन। अब फूड तो ले लिया, अब एनर्जी चाहिए हमको, फूड का हम लोग अचार नहीं डालना है, हमको एनर्जी से काम करना है। सो दैट्स व्हाई अब क्या चाहिए, अब इंस्पायरेशन करेंगे और एनर्जी को लाएंगे। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। सो ये पार्ट तो हमारा यही पे एंड होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। बार बार बोल के थक गया हूँ बट आप लोग करते ही नहीं हो शेयर। प्लीज शेयर करो ताकि मैं इतनी ज्यादा वीडियोस लाऊं, इससे ही और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए लाते रहूं। एंड टिल देन कीप लर्निंग विद विंडो स्टडी, कीप लर्निंग एंड कीप लर्निंग।